हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है टाइनी बम्प्स। तो बासुकात हमारे चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो किसी भी तरीके से नहीं जाते हैं, चाहे हम स्क्रबिंग कर लें, एक्सफोलिएट कर लें या फिर कोई भी फेस मास्क यूज कर लें, इनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन टाइनी बम्प्स से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। इसकी एक ही एप्लीकेशन में आपको बहुत विजिबल रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन आपने इसको 7 डेज तक रिपीट करना है ताकि आपके चेहरे पर कोई भी टाइनी बम्प्स ना रहे। चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि टाइनी बम्प्स होने की क्या वजह होती है और ये कैसे नजर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। हमारे स्किन पर टाइनी बम्प्स तब होते हैं जब किसी भी किस्म का प्रोटीन, डर्ट, पोल्यूशन या ऑयल हमारे स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है, और अगर हम इसकी केयर ना करें तो ये हमारे स्किन के डीप इनसाइड चला जाता है और आपकी स्किन का प्रोटीन वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से टाइनी बम्प्स होते हैं और ये हमारी स्किन पर छोटे छोटे मिल्की व्हाइट सिस्ट की तरह से नजर आते हैं। मोस्टली ये हमारे फोरहेड, आईलिड्स के अराउंड और चीक्स पर अपीयर होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम टाइनी बम्प से कैसे छुटकारा पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो आज की रेमेडी को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक क्लीन कंटेनर। यहाँ मैंने कंटेनर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हम इसको स्टोर करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑफ बेसन। बेसन हमारे स्किन के लिए कितना कमाल का है ये तो आप जानते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक बहुत ज़बरदस्त क्लेंजर है जो हमारे स्किन को डीप क्लीन करता है। ये हमारे स्किन से हर किस्म की इम्प्योरिटीज, डर्ट को रिमूव करता है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हल्दी मौजूद है तो आप इसका 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप किचन की हल्दी भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आप कम रखें क्योंकि हो सकता है ये आपकी स्किन पर रैश कर दे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ नीम पाउडर। नीम पाउडर हमारे स्किन पर मौजूद एक्नी पिंपल्स को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जो हमारे एक्नी और पिंपल्स को क्योर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप अपने हाथ में लेंगे और रोज वाटर का स्प्रे करके आप अपने हाथों पर इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब जिस तरह से आप अपना फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल इसी तरह से आप इससे अपना फेस वॉश करेंगे। आप इसको 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है ताकि मैं इसको 1 वीक के लिए इस्तेमाल कर सकूं। क्लेंजिंग का स्टेप आप 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर करेंगे और इसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे। आपको फर्स्ट स्टेप पे ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन आपने यहाँ रुकना नहीं है, हमें आगे भी 2 स्टेप करने हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए योगर्ट यानी दही। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर के बारे में आप जानते हैं कि आपकी स्किन को लाइटन अप और ब्राइटन अप करने में हेल्प आउट करता है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और आपकी स्किन पर इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 drops ऑफ लेमन जूस, 1/2 टीस्पून ऑफ बादाम का तेल। बादाम का तेल आपकी स्किन को बहुत नेक्स्ट लेवल का ग्लो देता है। एंड फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हम यहाँ एक्सफोलिएशन के लिए ऐड कर रहे हैं, ये हमारी स्किन को डीप एक्सफोलिएट करती है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने फेस पर अप्लाई करके 5 से 7 मिनट तक इसकी स्क्रबिंग करें। ये बहुत जेंटल स्क्रब है, ये ना सिर्फ आपकी स्किन को जेंटली स्क्रब करेगा बल्कि ये आपकी स्किन को बहुत बेहतरीन ग्लो देगा। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को बहुत अमेजिंग कर देता है, ये आपकी स्किन से तमाम डेड सेल्स को रिमूव कर देता है। तो ये स्टेप आपकी स्किन को एकदम लाइटन अप कर देगा। स्क्रबिंग करने के बाद आपने एक और लेयर अप्लाई करके इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और 15 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें या किसी क्लीन टॉवल से इसको क्लीन कर लें। तो हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल।
अब आप इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन नाइट क्रीम है जिसको मैं भी ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। ये बहुत जबरदस्त है आपकी स्किन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं विटामिन ई आपकी स्किन का एक पार्ट है। जब इसकी एप्लीकेशन आप अपने स्किन पर करते हैं तो ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। तो इस क्रीम को अप्लाई करके आप ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह अपने फेस को वॉश कर लें। तो ये थे हमारे 3 बहुत सिंपल और बहुत जबरदस्त स्टेप्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन स्टेप्स को 7 डेज तक जरूर रिपीट करेंगे और 7 डेज के बाद आपके फेस पर कोई भी टाइनी बम्प नहीं रहेगा और आपकी स्किन एकदम स्पॉटलेस और क्लीन हो जाएगी। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।